हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहतम। आपका फिर से स्वागत है। और आज की टॉपिक है लाभ और हानि। क्या है लाभ और हानि, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि लाभ और हानि, आखिर लाभ और हानि कब होता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदकर उसे बेचते हैं तब लाभ या हानि होता है। तो किसी वस्तु को बेचने के लिए पहले तो खरीदना पड़ेगा, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। पहला हो जाएगा आप लोगों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत बोलिए या फिर मूल्य बोलिए, जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, से बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरा क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आता है लाभ और हानि, देख लेते हैं। तो लाभ क्या होता है देखेंगे हम लोग, लाभ। लाभ कब होगा, जब हम किसी वस्तु को कम दाम में खरीद करके उससे अधिक दाम में बेचेंगे तब क्या होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तब क्या होगा, लाभ होगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य अधिक हुआ क्रय मूल्य से तब क्या हुआ, लाभ मिलेगा हमें। फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है आपका लाभ का फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लेंगे। सेकेंड होता है हानि कब होता है, हानि। तो हानि बराबर क्या होगा, जब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक होगा तब क्या होगा, हमें लॉस होगा, मतलब हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तब क्या होगा, हमें लॉस होगा, मतलब हानि होगा। ये सेकेंड फॉर्मूला है, उसे नोट हम कर लेंगे, लिख लीजिए। फिर क्या होता है, एक होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है, लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य।
क्रेम हुआ। चलिए इसे अपन नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट एक होता है हानि प्रतिशत, क्या होता है हानि प्रतिशत, तो इसका भी क्या होता है हानि गुने में 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपका हो गया चौथा फॉर्मूला। आप लोग फॉर्मूला लोड नोट करते जाएंगे। ओके चलिए, और तीसरा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, चौथा पांचवा फॉर्मूला होता है ना, विक्रय मूल्य जब निकालना होगा तो क्या होगा, तो विक्रय मूल्य निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक जब हानि होगा मतलब लॉस होगा आपको, तब विक्रय मूल्य क्या होगा, और दूसरा जब आपको प्रॉफिट होगा मतलब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ लाभ होगा तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य जब लाभ होगा तो क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस कितना का लाभ हुआ वो हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये लाभ है प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य प्लस लाभ। दूसरा होता है विक्रय मूल्य बराबर आपका फॉर्मूला जो होता है सेकेंड, ये होता है आपका जब हानि होगा, तो हानि हुआ तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि, हानि कितने का हुआ, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हुआ। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। पहला हुआ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये लाभ की स्थिति में हो गया। दूसरा होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, ये क्या होता है हानि की स्थिति में होता है जब आपका मतलब आपको लॉस होता है हानि होता है। हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य जो है अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तब क्या होगा हानि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट होगा क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य भी दो स्थिति में होगा, एक लाभ की स्थिति में दूसरा हानि की स्थिति में। तो जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ बराबर क्रय मूल्य बराबर होता है क्या होगा विक्रय मूल्य, लाभ स्थिति में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा माइनस लाभ, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया लाभ की स्थिति में। ठीक है, सेकेंड क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में जाएगा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ओके, मैंने क्या क्या देखा, लाभ और हानि मैंने पढ़ लिया, पहला है लाभ और हानि है, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। क्रय मूल्य जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस वस्तु, जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चले हम लोग प्रश्न से। ठीक, ये पहला प्रश्न है, सवाल क्या कह रहा है कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य लिखते हैं हम लोग सीपी से,
एक बार और नोट डन कर लेंगे आप लोग, एक अच्छे आप नोट डन कर लेंगे। चलिए क्या होता है, जो क्रेमुल होता है, क्रेमुल को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइज। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइज, जिसे कि हम लोग सीपी से नोट डाउन करते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से हम लोग एसपी से लिखते हैं। ठीक है, और लाभ को बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लाभ को? बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट। प्रॉफिट इसे हम लोग पीसी लिखते हैं, और हानि को बोलते हैं हम लोग लॉस। लॉस इसे हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, इससे आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, चार चीज है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। ठीक है, प्रश्न जो बनेगा हमारा, क्रय मूल्य को लिखेंगे सीपी से, विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी से, लाभ को लिखेंगे पी से, और हानि को लिखेंगे एल से। ठीक है, अब चलते हम लोग प्रश्न से। क्या है, 700 रुपये में अंगूर खरीदती है रानी ने, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य 700। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है। फिर एसपी क्या है, बेचती कितना है जी? वो 800, सॉरी 840 है ना, यहाँ पे 840 में बेचती है। तो क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य है ज़्यादा है, तो मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मैंने लिखवा चुका है फॉर्मूला। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका? 840 माइनस 700, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी हमें? 140 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछ रहे हो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, सवाल यहाँ पूछ रहे हो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमको प्रतिशत निकलना पड़ेगा, प्रॉफिट निकल गया, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, परसेंट पी बराबर लाभ गुना में 100 बटे में क्रय मूल्य सीपी मैंने लिखवाया था। तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे हम लोग, लाभ कितने का हुआ जी? 140 का गुने में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना है? 700 है। 20 से 20 काट देंगे, 7 से काटेंगे 140 को, तो कटेगा आपका 20 बार में। कहने का मतलब है इन्हें 20% का क्या हुआ? लाभ हो गया। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन 2 ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, हल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी, सीपी जो दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 500, और 30% की हानि पर बेच दी। एल प्रतिशत दिया हुआ है आपका, लॉस दिया हुआ है 30%, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान देने की बात है, हमने फॉर्मूला लिखवाया है, फॉर्मूला लिखवाया है हानि विक्रय मूल्य बराबर ना, यहाँ पे लिखवाया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दो फॉर्मूले में लिखवाया है यहाँ पे। यहाँ पे ये हो गया क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ प्रश्न बोल रहा हम लोग का विक्रय मूल्य का, ये हो गया विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य बराबर लिखवा है मैंने क्रय मूल्य प्लस लाभ, बट प्रश्न में क्या हुआ है? लाभ प्रतिशत दिया हुआ, सॉरी हानि प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? केवल हानि है, केवल हानि है, वहाँ पे क्या था? हानि प्रतिशत था। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। तो इसका सीपी कितना था हम लोग का? 500 रुपये दिया हुआ है,
और एल प्रतिशत दिया हुआ कितना, 30% दिया हुआ, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर आपको बोल दे कि विक्रय मूल मतलब एसपी निकालना हो, कुछ नहीं करना है आपको, एल इंटू में 500, कहने का मतलब है कि फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एल इंटू में एल प्रतिशत इंटू में सी पी अपॉन 100 फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस कंडीशन में ये होता है, ट्रिक होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है बल्कि ये ट्रिक होता है, ठीक है। चलिए अब इसे बनाते हैं प्रश्न को। एस पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एल कितना है 30 इंटू में 500 अपॉन 100, 5 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा 150 रुपये, क्या हुए इसे, हानि हो गई, ये हानि निकल गया। तो हानि 150 रुपये निकला, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, अब फॉर्मूला चलेगा वो वाला, विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला क्या लिखवाए थे हमने, जब हानि हुआ था विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य, और हानि कितने का हुआ जी, 150 रुपये का, तो माइनस हानि, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग का एस पी कितना निकलेगा, 500 माइनस 150, एस पी बराबर कितना निकलेगा हमारा, 350 रुपये, क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ओके, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, उसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, सीपी दिया हुआ आपका, क्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपये, और 16% के लाभ पर बेचा जाता है, एल परसेंट दिया हुआ आपका 16, तो बोल रहा है आपका एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए ये निकालना है आपको, खाली है, ठीक है। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है जी, प्रतिशत बराबर होता है 100, आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहता है, 16% का क्या होता है, प्रॉफिट कमाता है वो, ठीक। वो 100 रुपये पर 16 रुपये कमा रहा है जी, वो क्या कर रहा है, 100 रुपये पर 16 रुपये प्रॉफिट ले रहा है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 750 रुपये है, तो 750 रुपये पे कितना लगा, 750 इंटू में 16 बटे में कर देंगे 100, कितने से कटेगा जी, 5 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 बार में कटेगा ये, और ये 5 दूनी 10, 2 से कटेगा, 2 8 16, कितने का, 120 रुपये, क्या हुआ इसको, लाभ हो गया, लाभ की बात कर रहा है, ये लाभ हो गया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकलना है, तो विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस लाभ, ये होता है हमारा फॉर्मूला, बैठा देंगे। विक्रय मूल्य एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 750 प्लस 120 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जी, 870 रुपये हो जाएंगे, 870 रुपये हो जाएंगे इसका विक्रय मूल्य, यह राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन 4, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।